पीछा करना यानी स्टॉकिंग करना। किसी महिला का किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा पीछा करना या स्टॉकिंग करना, क्या ये एक अपराध माना जाता है? आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कब ये अपराध माना जाएगा और कब ये अपराध नहीं माना जाएगा। पीछा करना यानी सेक्शन 354 डी आईपीसी धारा 354 डी भारतीय दंड संहिता 1860 के हिसाब से कोई भी पर्सन यहाँ हम डिनोट करेंगे, कोई भी पुरुष व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है, उसके मना करने के बावजूद पीछा करता है, मॉनिटर करता है, या बार बार उसे किसी अन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉलो करता है, मैसेज भेजता है सोशल साइट्स पे, या तो मॉनिटर करता है, उसको फॉलो करता है, बार बार ईमेल भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन जो है यानी वो आदमी स्टॉकिंग कर रहा है। अब बात करते हैं कि स्टॉकिंग में क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है? जी हाँ, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, और इसके लिए पहला अगर अपराध करता है वो तो 3 साल की सज़ा और जुर्माना, और उसके बाद भी अगर उसे समझाइश देने के बाद भी वो दोबारा से वही सेम अपराध करता है तो उसे 5 साल की सज़ा और जुर्माना। अब बात आती है कि कब वो व्यक्ति, मतलब यानी वो पुरुष व्यक्ति, ये नहीं माना जाएगा कि वो स्टॉकिंग कर रहा था। जैसे किसी अपराध को बचाने के लिए या निवारण करने के लिए राज्य सरकार ने उसे अधिकृत किया हो, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गए या कोई अन्य व्यक्ति, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां वो अंडर बाय लॉ है, जहां वो स्टॉकिंग करना या पीछा करना वो एक कानून के अंतर्गत है, तो वो एक अपराध नहीं माना जाएगा। बात करते हैं कि साइबर स्टॉकिंग, अब इसके साथ में साइबर स्टॉकिंग की भी हम बात करते हैं, जो आईटी एक्ट 2000 में ये स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर पीछा करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कोई भी हो सकता है, इंटरनेट पे ही है ना, या ऑनलाइन माध्यम से, जहां बार बार व्यक्ति को मना करने के बाद भी वो SMS सेंड कर रहा हो या सोशल साइट्स पे उसे फॉलो कर रहा हो, तो वह एक अपराध माना जाएगा। आज हम इस वीडियो में जानें कि कब एक महिला का पीछा करना अपराध माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। इस संबंध में और कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ। नमस्कार।